टुडे वी विल स्टार्ट लेसन 3, अ बॉय जज। अ बॉय जज, एक लड़का जज। जज कहने का मतलब जो जजमेंट देता है, जो किसी भी केस की सुनवाई करता है, मतलब केस के डिसीजंस जो देता है वो जज होता है। ओके, अब स्टोरी को हम रीड करते हैं और लाइन बाय लाइन हम स्टोरी समझते भी चलते हैं। ओके, वंस अपॉन अ टाइम थ्री थीव्स, एक बार की बात है, तीन चोर थे। Who had stolen a pot of gold in a distant town were returning to their village. Returning, that means वापस हो रहे थे अपने गांव। चोरी करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने एक पॉट ऑफ गोल्ड, एक बर्तन चुराया था जो सोने से भरा हुआ था, और डिस्टेंस टाउन, वो गांव जो थे अपने रिटर्न हो रहे थे। दे वर पासिंग थ्रू अ स्मॉल टाउन, वो एक छोटे से गांव से जब गुजर रहे थे। वैन इट ग्रीव डार्क, तभी क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। Their village was a long way off. अभी उनके गांव जाने का जो रास्ता था वो बहुत ही लंबा बचा हुआ होता है। Their chief said to the others, उनका जो चोरों का सरदार होता है वो दोनों से कहता है, I don't know whether we can reach our village safely with all this gold. All his gold. मुझे नहीं पता ऐसा कि हम जो हैं इस सोने के साथ जो है, जो गोल्ड उनके उनके पास है सोना, उस पॉट ऑफ गोल्ड के साथ में वो सेफली सुरक्षित, अभी जो है अंधेरा हो गया है क्योंकि, तो वो जा पाएंगे, उससे ऐसा नहीं लग रहा है। लेट्स स्टे फॉर द नाइट इन सम हाउस हियर इन दिस टाउन, हम क्या करते हैं इसी गांव में आज किसी के यहाँ भी रुक जाते हैं, किसी भी घर में। हिज फ्रेंड ऑल्सो थॉट दैट दिस वॉज द बेस्ट थिंग टू डू, वो जो बाकी दो चोर होते हैं वो भी यही सोचते हैं कि हाँ ये तो सच्ची बात है कि हम यहीं पर रुक जाएँ आज की रात। दे वेंट इन सर्चिंग ऑफ अ लॉजिंग फॉर कहने का मतलब रुकने के लिए वो जगह ढूंढने लगते हैं। द नाइट एंड एट लास्ट फाउंड एन ओल्ड वुमन हु एग्रीड टू लेट देम स्टे इन हर हट, और लास्टली क्या होता है, उनको एक बूढ़ी औरत मिलती है जो उनको अपने झोपड़ी में, अपने घर में रुकने के लिए रेडी हो जाती है कि हाँ आप एक रात यहाँ पर रुक सकते हैं। नाउ नन ऑफ द थीव्स, अब जो तीनों चोर हैं है ना, नन ऑफ द थीव्स कहने का मतलब कोई भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करता। वुड ट्रस्ट एनी ऑफ हिज कंपेनियन, कंपेनियन नहीं होता है बेटा साथी, विथ द पॉट ऑफ गोल्ड, इस पॉट ऑफ गोल्ड को लेकर के, पॉट ऑफ गोल्ड के साथ में वो तीनों कंपेनियन जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। सो दे डिसाइडेड टू गिव इट टू द ओल्ड वुमन टू कीप, तो तीनों डिसाइड करते हैं कि हमें इस पॉट ऑफ गोल्ड को जो है बूढ़ी औरत को रखने के लिए दे देना चाहिए। कीप यानी होता है रखना। दे केयरफुली अंतर सावधानीपूर्वक, दे केयरफुली सील्ड यानी होता है उसको पूरी तरीके से पैक कर देना। द माउथ ऑफ द पॉट, माउथ ऑफ द पॉट कहना मतलब ये घड़ा देख रहे हो आप, इस घड़े का जो मुंह है ये पूरा माउथ जो है, विथ क्ले, तो वो सील कर देते हैं उसको कैसे, मिट्टी से, क्ले मीन्स होता है मिट्टी। एंड टुक इट टू द ओल्ड वेमेन एंड सैड, और क्या करते हैं वो बूढ़ी औरत को इसे दे देते हैं और कहते हैं, प्लीज़ कीप दिस विथ यू, अपने पास इसे रख लो, टिल वी आस्क फॉर इट, जब तक हम इसके बारे में आपसे पूछे नहीं। आस्क फॉर यानी होता है मांगना, जब तक हम इसको आपसे मांगते नहीं तब तक आप इसे अपने पास रख लीजिए। डोंट गिव इट टू एनी वन टिल ऑल थ्री ऑफ अस आस्क फॉर इट टुगेदर, जब तक हम तीनों एक साथ आकर के आपसे इस पॉट के बारे में ना मांगे या ना पूछें, आस्क फॉर ना करें, इसको मांगे नहीं तब तक कि आप किसी को भी नहीं दोगे। द ओल्ड वेमेन अग्रीड, जो बूढ़ी औरत होती है वो रेडी हो जाती है। सी आस्क द मैन, वो पूछती है उन तीनों से, मैन मीन्स प्लूरल लिखा हुआ है, प्लूरल फॉर्म है मैन का, MAN, MEN, ओके, तो ये EN मतलब वो तीनों से पूछती है, वेदर दे वुड टेक इट बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग, क्या वे इसे जो है अगली सुबह जो होने वाली है वापस ले लेंगे। देयर चीफ रिप्लाइड, उनका जो मुखिया होता है सरदार चोरों का, वो कहता है हाँ यस वी विल, हम इसे आपसे कल सुबह ले लेंगे। बट बी श्योर, लेकिन आप श्योर कर लीजिए, सर्टन कर लीजिए कि बिल्कुल आपको इसे सुरक्षित रखना है। टू कीप इट इन अ वेरी वेरी सेफ प्लेस, आप बहुत ज़्यादा जो सुरक्षित स्थान हो आप इसे वहाँ पर रख दीजिए। द थ्री मैन कुक्ड देयर ओन डिनर, वो तीनों जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं। आफ्टर ईटिंग इट, खाना खाने के बाद, दे सैट अंडर अ ट्री टॉकिंग टुगेदर, वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। द यंगेस्ट ऑफ देम, जो उसमें सबसे ज़्यादा जवान चोर था, सबसे ज़्यादा यंग था, यंगेस्ट
है ना, सबसे ज़्यादा जवान। हु वॉज अ क्लेवर मैन, जो कि बहुत ही ज़्यादा चालाक था, बहुत ही ज़्यादा चतुर था। वॉन्टेड टू गेट, वॉन्टेड टू गेट कहने का मतलब वह चाहता था कि वो जो सोने का घड़ा है वो उसे अपने पास ले ले, अपने लिए चाहता था वो। ओके,